महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में आवारा कुत्ते ने घर की गली में खेल रही 6 साल की मासूम बच्ची पर अचानक हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के गाल को अपने जबड़े में दबोचकर गाल का मांस ही बाहर निकाल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुत्ता बच्ची पर हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इस हादसे में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है और गाल पर 19 टाके भी लगे हैं। घायल बच्ची के पिता मिस्त्री का काम कर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस घटना के बाद पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। घटना होली के दिन 7 मार्च की है। बल्लारपुर शहर के मुरलीधर मंदिर के समीप 6 वर्ष की आराध्या आशीष मानकर अपने घर के पास गली में खेल रही थी, तभी करीबन दोपहर 3 बजे एक कुत्ते ने बच्ची पर अचानक हमला कर दिया और गाल को काट लिया। कुत्ते के काटने के कारण बच्ची को 19 टाके लगाने पड़े। बच्ची का चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका है। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर परिवार वाले बाहर दौड़े और बच्ची को लहूलुहान देकर अस्पताल ले गए। आवारा कुत्तों के कारण शहर वासियों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह सुबह पालक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते समय आवारा कुत्ते उनका पीछा करते हैं, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत करने पर भी अधिकारियों की ओर से इस ओर लगातार अनदेखी की जा रही है। जात होती खेड़ासाठी बाहेर असी दुकानातच नाही का जाता जाता असं कुत्र्यांनी पकडलं तिला आणि ती तशीच आवाज दिली मम्मी म्हणून जोरात, तशीच आम्ही भी धावत गेलो। मग तिथं धावत गेल्याबरोबर मग ते कुत्र कोणाकडे चाललं गेलं माहीत नाही। मग आम्ही तशाच हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो। प्रायव्हेटमध्ये गेलो ते बंद होते, प्रायव्हेट सरकारीमध्ये घेऊन गेलो। मग आम्ही तिथून मग आम्हाला चंद्रपूरला रेफर केलं। चंद्रपूरवरून मग बँडेज वगैरे लावून मग आम्ही घरी आलो। आता बरी आहे थोडी, पण थोडी आग होते म्हणते म्हणलं तर खाज लागते म्हणे। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपूर से सुनील ताडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।